शिमला जिला के नव निर्वाचित अध्यक्ष युवा कर्मठ होनहार रवि मेहता को अपने गृह क्षेत्र साधुपुर में पहुंचने पर क्षेत्र के लोगों सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों व फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस अवसर पर क्षेत्र के लोगों ने सोलन भाजपा मंडल के नव निर्वाचित अध्यक्ष मदन ठाकुर का भी भव्य स्वागत किया। स्वागत के बाद क्षेत्र के भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा साधुपुर में इन दोनों नव निर्वाचित अध्यक्षों के लिए स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में सोलन के भाजपा नेता डॉक्टर राजेश कश्यप, बगाट बैंक सोलन के चेयरमैन पवन गुप्ता विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस स्वागत समारोह में कंडाघाट सहित सोलन के भाजपा कार्यकर्ताओं सहित स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। स्वागत के दौरान पूरा क्षेत्र भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा लगाए गए नारों से गूंज उठा। भारतीय जनता पार्टी के रूप में यहाँ जो नया दायित्व संगठन की दृष्टि से प्राप्त हुआ है वो स्वाभाविक है कि साधुपुर, क्योंकि हमारा शिमला जिला का बिल्कुल सीमा पे लगता हुआ क्षेत्र है, यहाँ के लोगों के साथ में बचपन में और आज तक में एक बहुत अच्छा संबंध और रिश्ता रहा है। उसी संबंध और रिश्ते के कारण से आज मंडल अध्यक्ष और यहाँ के प्रत्याशी रहे हमारे राजेश कश्यप जी, यहाँ पर पवन ठाकुर जी और इनकी पूरी टीम, यहाँ पर लोकेश्वर शर्मा जी और इनका पूरा जो पूरा भारतीय जनता पार्टी का हमारा प्रत्येक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के जिला स्तर तक का उनकी कार्यकारिणी, उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा अभिवादन सत्कार हुआ है, उसके लिए मैं पूरे सोलन मंडल को बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि उन्होंने बड़ी आशा के साथ में प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है उसके ऊपर में भी एक स्वागत हुआ है। केवल रवि मेहता का जिला अध्यक्ष के रूम में नहीं है तो पूरी प्रदेश सरकार का यह स्वागत अभिनंदन है। इनकी उन्हीं उम्मीदों पे, आशाओं पे यहाँ पर हम खरा उतरेंगे। इस क्षेत्र को भारतीय जनता पार्टी ने ये नेतृत्व दिया है तो हम इनको भी आश्वस्त कर रहे हैं, जितनी भी जनता आज हमारे स्वागत अभिनंदन में आई है, कि आपके साथ में आपके हर काम में हम उसी विद्वत्ता के साथ में और उसी श्रम के साथ में और उसी मान सम्मान जो आपने दिया है उसके साथ में आपके साथ में दिन रात खड़े हैं। आपका बहुत अभिनंदन और आपके चैनल के माध्यम से जो बात आप जन जन तक पहुंचाएंगे आपका भी धन्यवाद।